नमो सिद्धार्थ वायरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतिमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं रमयूढजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंशसहावं गोच्छामिनियमसारम् केवली सुध केवली वणिदम शुद्ध भावाधिकार की 38 गाथा निकाल सब। जीवादि बहिर तच्चम हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा कमोपाधि समुभव गुणपज्जायेहिवदीरितो जीवादि जो वही तत्व है वे हैं करे मोपधि पर्याय से निरपेक्ष आत्म राम ही आदि है। टीका में है यह ही उपाधि तत्व की चर्चा है। स्वरूप पर द्रव्य रूप होने से जीवादि सात तत्व का समूह वस्तुतः उपाधि नहीं। किसे और कैसा आत्मा उपाधि है? तो लिखा कि सहज बैराग रूपी महल की शिखर की शिखामणि। फिर दूसरा है पर द्रव्यों से परान्मुख। तीसरा है पांच इंद्रियों के विस्तार से रहत। चौथा है देह को छोड़कर अन्य परिग्रहों से रह परम जिन योगीश्वर और सौ द्रव्य में जिनकी तीखी नजर तीक्ष्ण पेनी बुद्धि ऐसे धारक साधक जीव को यह शुद्धात्मा ही उपाधि। सबको अपन सब स्वाध्यायी है। अपन से कोई पूछे विश्व की पारमेश्वरी व्यवस्था क्या है? प्रवचन सार जी में आप पारमेश्वरी व्यवस्था तो क्या है? पारमेश्वरी व्यवस्था है बताए तो क्या बताए? जो प्रवचन सार में आए तो उन्होंने कहा कि द्रव्य गुण पर्याय पना बताना और उत्पाद वे द्रोव पना बताना, ये दो कुदरती देन प्रकृति की व्यवस्था यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर से सर्वज्ञ देव के दिव्य ज्ञान में जो प्रकृति का स्वरूप आता है उसे भगवान ने पारमेश्वरी स्वरूप कहा, पारमेश्वरी व्यवस्था कहा। पारमेश्वरी यानी हर द्रव्य द्रव गुण पर्याय स्वरूप और उत्पाद वे द्रोव युक्तम सत, ये पारमेश्वरी व्यवस्था। ये समझ लेने से सारा बोझ उतर जाए क्योंकि जब तक ये जीव अपना अस्तित्व द्रव्य गुण पर्यायपना नहीं समझेगा, जब तक वह द्रव्य को स्वयं परिणमते हुए नहीं समझेगा, तब तक उसके सिर पर बहुत टेंशन बहुत भार। कैसे करें, क्या करें, क्यों कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब तकलीफें कब तक हैं? जब तक यह कुदरती प्राकृतिक वस्तु के स्वरूप को नहीं आता। एक एक छह द्रव्य में लगा तो छह द्रव्य अनादि से अनंत काल तक ऐसे ही छह रहे। किसी को जीव को किसी ने बनाया है तो जीव नाम का पदार्थ समझो, तो जीव नाम के पदार्थ में जीव नाम का द्रव, जीव अनंत अनंत गुणों का धनी ऐसा गुणात्मक द्रव और द्रव और गुण उससे होती हुई प्रति समय पर्याय ऐसा परिणमता द्रव। 93 गाथा
दब्बाणी गुण पगाणी भणिदान, जितनी भी वस्तुएं हैं भी सब द्रव्य हैं, द्रव्य गुणात्मक है। तेहिं कुड़ो पज्जाय, और उनसे होती है पर्याय, और पज्जय मूला ही परसम। फिर से सुनना क्या क्या, जितनी भी जगत में वस्तुएं दिखती हैं वे सब भगवान के ज्ञान में क्या है, ये द्रव्य, सोना द्रव्य, चांदी द्रव्य। अभी स्थूलता से समझ, छह द्रव्य हैं परंतु अपन एक मोटी रूप समझते हैं, सोना एक समझ लो द्रव्य। तो उस द्रव्य को, सोने को किसी ने बनाया नहीं प्रकृति से, और वो पीलापन, चिकनापन, भारीपन और जंग नहीं लगना, उसके जो गुण है उसमें अनादि अनंत विराजमान, और वो नियम से अपनी योग्यता से परिणमन अपने हिसाब से करता है। अब जब ये समझ में आ जाता है कि ऐसा प्रत्येक द्रव्य ऐसा कुदरती, इसे किसी ने जीव को जीव बनाया नहीं, और जीव में अनंत गुण किसी ने भरे नहीं, और जीव में जो ज्ञान है वो जानने का काम किसी की मेहरबानी से नहीं करेगा, अपने आप करता है। अभी जितने भी अपन सब बैठे और यहाँ पर जो वाणी निकल रही, और सबको इस समय जो वाणी संबंधी ज्ञान हो रहा वो वाणी से बिल्कुल नहीं हो रहा, ज्ञान में से ज्ञान, ऐसा भगवान के केवल ज्ञान में आई बात है कि दिव्य ध्वनि स्थिर रही है वहां, और वो दिव्य ध्वनि सबको अपनी अपनी योग्यता से समझ में आ रही। तो दिव्य ध्वनि एक सी खेलने पर अलग अलग क्यों समझ में आई, क्योंकि सबकी योग्यता अलग है, और सबकी परिणमन ज्ञान का जो जानने का है वो अपने द्रव्य से हुआ है। तो इसलिए किसी को किसी का बोझ, शिकायत, कंप्लेंट नहीं रह जाती, ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस द्रव्य में ऐसा ही होने का धर्म उस समय था। इसलिए आदिनाथ के सामने मारीच का जीव बैठ, और मारीच के जीव को समझाने वाले दिग्गज पुरुष, घरे ही में समोसण था, तीर्थंकर भी है, कामदेव भी है, चक्रवर्ती भी है, ब्रह्मचारिणी भी है, गणधर बनने वाले जीव भी हैं, वो खुद ही तीर्थंकर का द्रव्य, और समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में, तीर्थंकर समझा रहे अप्पा सो परम अप्पा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिश्वर समझाया मारीचि बोराया, क्यों माने किसी की हुई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। इसकी पर्याय 24वें नंबर पर तीर्थंकर भगवान बनने की है, अब बीच में बन जाए तो 24वां कौन बनेगा कोई किसी की जगह पे पहुंच जाए तो उस खाना पूर्ति को कौन पूरी, कितनी अच्छी व्यवस्था पंडित साहब, ये पारमेश्वरी व्यवस्था लिख कुंद कुंदाचार्य देव अमृतचंद, ये द्रव्य का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, ये पारमेश्वरी, और फिर द्रव्य गुण का पर्यायपना का उत्पाद व्यय ध्रोवपना, एक समय में वो पुरानी अवस्था को व्यय करना, नई अवस्था को लाना, और वस्तु को ध्रोव रहना, ये किसने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, तो कैसे होता होगा, एक पारमेश्वरी से कुदरती धर्म। अच्छा अब अपन समझे कि अपने पास तो अकल, और इस बेचारी के पास तो अकल नहीं, इसके पास अकल नहीं, इसमें तो ज्ञान नहीं, ये शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, तो ये शास्त्र वहां से यहाँ उठ के कैसे आ जाए, भाभी जी बताओ, ये शास्त्र वहां रखा था अभी वहां से, इसे अकल नहीं है ना, तो वहां से उठ के यहाँ कैसे आ गए, तो कोई तो समझदार लाया होगा कि नहीं लाया, समझदार ला ही नहीं सकता है, यदि लाता तो 66 दिन बाबा मौन काय को रहते, ला ही नहीं सकता। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आई बात, ये पेज खुलना है शुद्ध भाव अधिकार, इसमें खुलने का धर्म नहीं होता तो ब्रह्मा भी नहीं कर, को सकदी बारे दो मिंदु व जड़ंदु, ताकत नहीं इंद्र और जिनेन्द्र की भी किसी को हेर फेर कर, तो कैसे आ गया वो शास्त्र वहां से, संदेश यहाँ कैसे आ गया बताओ, कि उसमें क्रियावती शक्ति है,
और इस समय जितने बजे कितने बजे यहाँ पर आएगा, भगवान से 2600 वर्ष पहले पूछते कि पहले संजय जीवर का प्रवचन इतने बजे तक होगा, इसके बाद इस सास वहाँ से ऐसे उठ के यहाँ आएगा, लोगों को लगेगा हमारे हाथ लगे, हमारा मन लगा, हमारा राग लगा, हमें मालूम। अपनी डेढ़ अकल ने संसार बढ़ा दिया कि हमें समझदारी, इसे तो अकल नहीं, हमें ज़्यादा समझदारी पढ़ के कर दे। अरे होता स्वयं जगत परिणाम में जग का, ये भगवान ने अपन को कितना निर्भार कर दिया। इतना ये बात नहीं समझ में आ रही ना, ये पारमेश्वर तब तक ये संसार चल रहा, क्योंकि ये जीव के उथल पुथल करने धरने की भोगनी, ऐसे कैसे हो गया, अपने आप कैसे हो जाए, दाल अपने आप कैसे चुर जाएगी, चावल अपने आप कैसे बन जाएगा, आटा कैसी रोटी बन जाएगी, कोई तो बनाने वाला होगा कि जब बनेगी तब बनाने वाला दिखेगा। आरोप जब सोनगढ़ का पंच कल्याण था परमागम मंदिर का, तो कैलाश चंद पंडित साहब, उन्होंने बहुत बड़ा मंच लगा था, 20,000 आदमी से ज्यादा आए थे उस, तो कैलाश चंद जी पंडित जी बोले देखो निमित्त से कर काम नहीं होता, काम नहीं होता कहते हो, आज गुरुदेव के निमित्त से कितनी प्रभावना हो रही है, और ये सब गुरुदेव का निमित्त, तो इनका प्रताप है। तो डॉक्टर साहब उसी समय उनके प्रवचन के बाद एकदम माइक लेके खड़े, ये गुरुदेव के प्रताप से नहीं आए तो कैसे आए, निमित्त का प्रभाव है कि नहीं। तो गुरुदेव सामने डॉक्टर साहब कैसे मौन बैठने वाले नहीं, वो खड़े हो गए कि ये सब इसलिए आए हैं कि निमित्त करता नहीं है, सुनने के लिए आए, निमित्त से काम होता है, इसलिए स्वामी जी से प्रभावित होकर नहीं आए, इसलिए आए हैं कि देखें वहां कि निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त किंचित करे, ये घनघोर गर्जना वहां होती, इसके लिए सब अपनी अपनी योग्यता से कहना। ये अपन जो सब पढ़ रहे शुद्ध भाव अधिकार, अरे अपना मति शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, शुद्ध वनस्पति, सब चीजें शुद्ध चाहिए, तो आत्मा भी तो शुद्ध चाहिए। तो आत्मा शुद्ध कैसे है जब राग द्वेष हो रहा है, बताओ कौन लड़का बताएगा, कौन विद्यार्थी बताएगा कि जिस समय राग द्वेष मोह हो रहा है उस समय आत्मा शुद्ध कैसे, बताओ है कि नहीं शुद्ध, यदि शुद्ध नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होता। जिस समय मिथ्या दर्शन है उस समय आत्मा शुद्ध है कि नहीं, तो कैसे शुद्ध, जिस समय मिथ्या दर्शन है उस समय आत्मा शुद्ध है कि नहीं, और नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है वो तो वास्तविक स्वरूप को देखता, वर्तमान को नहीं देखता, तो वर्तमान में कैसी दशा है, मिथ्यात अज्ञान असह्य, और स्वभाव कैसा है, शुद्ध, तो जिस समय अशुद्ध पर्याय है उस समय आत्मा शुद्ध है कि नहीं, कैसे कौन बताएगा, बताओ संदेह। हाँ सही, हाँ स्वभाव त्रिकाल है, और इन्हें कहा कि राग देश रूप परिणाम रूप द्रवपर्ण में नहीं हो, मतलब ये अध्यात्म में एक वस्तु के दो विभाग बनाए हुए, एक पर्याय तत्व तो और एक द्रव तत्व, तो पर्याय तत्व द्रव तत्व ऐसे अलग अलग बताए जैसे छह द्रव अलग अलग, यहाँ भावात्मक प्रयोजन परक निरूपण है, तो ये परिणाम इतना स्वतंत्र है कि उसे द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, जिस समय जो पर्याय होने, यदि द्रव्य से पर्याय होती तो द्रव सदा काल शुद्ध है, तो परिणमन कैसा होता, शुद्ध ही शुद्ध होना चाहिए, सोने से कैसे जेवर बनते स्वर्ण में, लोहे से लोहे में, तो ज्ञानी के भाव कैसे होते ज्ञान में होते, चांदी के भाव चांदी में होते, तो आत्मा शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध होना चाहिए कि नहीं, ऐसा प्रश्न जाता था स्वामी जी के पास, जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध, तो स्वामी जी कहते हैं कि द्रव्य शुद्ध है तुझे कहाँ से मालूम, हमने पढ़ा तो तू देखे ना, एक बार शुद्ध देखेगा तो शुद्ध होने लगे, जो शुद्ध जाने आत्मे को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अन शुद्ध जाने आत्मे को अने शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। फिर से विचारना भाई सब, ये एक मूल वस्तु है जिसे कहते जीव द्रव, है ना, छह द्रव्यों में एक जीव द्रव है, और वो जीव द्रव परमेश्वर है, परमात्म स्वरूप, ज्ञान स्वभावी है, ज्ञायक है, और जो भी द्रव होता है वो अनंत गुणों का समूह,
इतना हो गया। अब उसका परणमन विभाग, तो उस समय जीव का जानने देखने का आनंद का जो धर्म है, उस समय पर्याय में ज्ञान आनंद सुख प्रकट होना चाहिए था कि नहीं, तो नहीं हो रहा अनादि काल से, राग द्वेष मोह चल रहा। तो अब ये लाज चला रहे आचार्य, अब बता रहे उपाय कि देखो परिणति में राग द्वेष मोह चल रहा है, मिथ्या चल रहा है, ज्ञान असंयम चल रहा है, उस समय भी जीव ने अपना जीवत्व न कब छोड़ा, चेतनत्व तो कब छोड़ा, ज्ञाय कब नहीं रहा। तो द्रव्य तो मूल वस्तु है, वो द्रव्य ज्यों की त्यों रही, अब परिणति ने उसे माना नहीं, ये गड़बड़ी पर्याय की। तो अपराध कहाँ हुआ, द्रव्य में कि पर्याय में, पर्याय में। तो पर्याय में विपरीत माना था, तो पर्याय में वस्तु स्वरूप मान के सम्यक दर्शन ले सकते। द्रव्य की जिम्मेदारी सम्यक दर्शन कराना नहीं है, द्रव्य ने मिथ्या तो नहीं करा है प्रमोद पंडित जी, द्रव्य को स्वीकार नहीं किया किसने, पर्याय। तो इससे क्या हुआ, मिथ्या चला। और अब पर्याय स्वीकार करेगी कि मैं ऐसा हूं तो सम्यक दर्शन आ जाएगा। तो द्रव्य की जिम्मेदारी नहीं है मिथ्या तो सम्यक कराने, वो तो भगवान है, अनंत गुणों का धनी भगवान, आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर। इतना सा काम सौंप, आत्मा तो है मंदिर में, भगवान तो बैठे, अब पर्दा डला है सो तुझे नहीं दिखते, तू पर्दे के गौण करे तो भगवान दिखे। इस तरह से ये बात सात तत्व संबंधी उन्होंने उठाई थी, और सातों तत्वों को पर्याय तत्व कह करके हे का उसे परद्रव्य कह के उपाधि नहीं है, क्योंकि आत्मा को उपाधि कहेंगे तो जब परिणति में आत्मा उपाधि दिखेगा तो आश्रय बंध जो होते थे वो बंद होंगे, आश्रय निरोध है संवर, तो संवर होगा, संवर होगा यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, श्रद्धा की शुद्धि की वृद्धि होगी, निर्जरा होगी, शुद्धि की पूर्णता होगी, मोक्ष होगा। मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है मुक्ति की तरफ मत देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय सम्यक दर्शन की तरफ नहीं, जिसे देखने से सम्यक दर्शन होता हो। ऐसी ऐसी बात कहीं सुनने मिली, एक गरीब आदमी था और वो आया, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भूखा मर रहा हूँ, कुछ व्यवस्था। महाराज जी ने कहा कि बेटा कुछ दान दिया करो। अरे जब वो कह रहा है कि मेरी व्यवस्था ही नहीं है और आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं बेटा थोड़ी दान आन दिया, तो जब हो तब तो दान देना। ज्ञान दान देने में क्या होना चाहिए, तेरे पास ज्ञान नहीं, अभय दान देने में क्या लग, इस स्वाध्याय चल रहा है, इसकी अनुबोधना करने में क्या तकलीफ, इतना बड़ा ढाई दीप का मंदिर बन रहा है और 1143 भगवान विराजमान है और एक भगवान करोड़ों रुपये में दे के रखे जाते होंगे, और अपन बैठे बैठे 1143 रख लो ना संजय भी, आप तो एक एक भगवान रखोगे, हम तो 1143 रख रहे, मुफ्त में दान दे रहे। अब ये समझ में नहीं आता, ऐसे ही तुझे कुछ पैसा नहीं लगना, आत्मा भगवान बैठा, हाँ पाड़ो ना, क्योंकि मैं अनादि से भगवान हूं, नहीं होता तो भगवान बन कहां से जा। अरे साहब हमारे पास क्या नहीं, बिना पूंजी के धंधा नहीं, हो धंधा के बिना पूंजी नहीं। अब हम धंधा कैसे करें जब पूंजी नहीं, कि जो पूंजी है उससे धंधा कर, ऐसे ही तेरे पास जो प्राप्त ज्ञान है उसको निर्णय में लगा, तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व तो निर्णय, कौन हूं आया कहां से और मेरा रूप, ये ज्ञान आ कहां से रहा, ये जानना कहां से हो रहा, इतनी तो चाहिए जनवाणी को जागृत ज्ञान। इस तरह से गजब की बात है, ऐसे चारों भाव में लगाना। देखो दूसरी गाथा अपन अभी और निकालते हैं, जो पढ़ते हैं 47 नंबर की गाथा में, आज आई थी अपने विधान में, सारी गाथा इसी तरह से, जो भी गाथा, तेरे कसाय नहीं, तेरे प्रकृतियां नहीं, तुझे वो क्षोभ नहीं, तू निर्दंड है, निराग है, निराविलंब है, अभी 47 गाथा देखो अपन निकाल रहे। आज सिद्ध भगवान बताते कि जितने जीव बैठे हैं ये सब सिद्धालय में बैठे, यहाँ कुर्सी पे कोई नहीं बैठा हो, ये सब सिद्धालय में बैठे। गजब का शासन मिला गुरुदेव, गुरुदेव की भैया एक शैली थी, स्वभाव से बात कहते तो हर आदमी को पसंद आया, ये बहुत बड़ा पैटर्न था उनके पास, कोई व्यक्ति निराश और उदास नहीं हो सकता।
तोरमल जी की शैली कैसी थी मालूम? तूने कहा सो तो ठीक है, परंतु ये पहले तो उसकी बात पर तो ऐसा नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो भी तो पढ़ के आए कहीं से, तो उसने स्वाध्याय किया हो, हिसाब कर्म के उदय से राग द्वेष। तूने कहा सो तो ठीक, परंतु कर्म का उदय तो निमित्त है, जब तू राग द्वेष रूप परिणमित होगा तो वो निमित्त के आरोपित, दूसरा तरफ कैसे कराएगा राग? किसी की सुन लो पहले, शांति में बीना में थे और एक व्यक्ति आया, सो स्वामी जी के प्रति खूब बहुत सी बातें कहता बहुत, अरे वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और सुमत जी ऐसे शांति से बैठे बैठे सुन रहे थे। हमने कहा पंडित जी साहब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? हमें तो ऐसा लगा धक्का मार के भगा दे, हम गुरुदेव के बारे में अपन नहीं सुन सकते कुछ। तो वो इतने से शांति से बोले कि बेचारा कहाँ जाए कहने, कहाँ जाए कह लेने दो, अपन को अपन बहुत पेश, अपने में बहुत ताकत, तीन लोग भी हमें गाली दे पर हमारा आत्मा अप्रभाव, कह लो तुम्हें जो कह, गुण को अवगुण कहे आन को, इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारे सर्टिफिकेट से हमारा जीवन सुखदायी दुखदायी। एक मुमुक्षु, सच्ची बात है कि मुमुक्षु 100 तोले सोना सिक्के एक अपने दूसरे मुमुक्षु के पास रखकर शिखर जी गया। वह जब शिखर जी की यात्रा से लौटा तो जब उसने वो थैली उठाई मांग के, तो उसमें 95 सिक्के नहीं, तो घर जाके गिने 95 निकले, तो वो बड़बड़ाता हुआ आया कि क्या साहब मुमुक्षु भी ऐसा करेंगे, हमें विश्वास नहीं था, कितना काल बदल गया, कितना धोखा, 5 सिक्के आपने निकाले। तो बड़बड़ाता, तो सेठ ने कहा मुनीम 5 सिक्के दो, तो दे दिए। फिर अपने रात में जब घर पहुंचा तो श्रीमती से बोला अमुक पड़ोसी मुमुक्षु, उसको हम विश्वास से दे के गए थे 100 सिक्के, उसने 5 सिक्के निकाली, कितनी शर्म नहीं लगी तुम्हें बोलने में मुमुक्षु, और उसको दोष दे के आए, अरे वो 5 सिक्के तो हमने निकाल के रख लिए थे कि कोई नक्सली अपन को पकड़ेगा तो हमें तो नहीं पकड़े, कम से कम अपन वापस तो लौट के आए। बहुत दुखी हो गया, वापस गया, उसके सिक्के वापस किए, हाथ जोड़े क्षमा कर, तो उन्होंने कहा मुनीम 5 सिक्के रख। तो एक थर्ड पर्सन कहता है कि साहब आप पत्थर के हो क्या? जब वो इतनी गाली देता रहा तो कुछ असर नहीं पड़ा, और बाद में क्षमा मांगता है तो कुछ असर नहीं पड़ा, तुम तो ज्यों के त्यों स्टैच्यू जैसे बैठे। तो उसने जो जवाब दिया वो ये शुद्ध भाव अधिकार में आ रहा कि हमारा सुख दुख का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में, उसके सर्टिफिकेट से हम सम्मानित नहीं और अपमान, वो हमें चोर कहे तो हम मान जाएंगे चोर, यदि हमारे परिणाम बिगड़े तो हम चोर। ऐसा जैन शासन है कि कोई तुम्हें दुखी सुखी नहीं कर रहा है, हमें जबरदस्ती अपना टेढ़ा मोह करके अपनी रील खराब कर। पढ़ो 47 नंबर की याद, जारिसिया से धप्पा भौमल्य जीव तारिसा होती, जर मरण जम मुक्का अट्ठे गुणालंकिया जेड़े, गुण आठ से है अलंकृत यर जन्म मरण जरा नहीं, ऐसे जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी कहे। अभी 7 तत्व को ही कहा था, अब और कुछ कह रहे हैं, ऐसी आश्चर्य वाली बातें हैं जो जगत को सुनने भी नहीं मिलती। अब क्या कह रहे हैं, जैसे सिद्ध भगवान है ना जीव, कैसे हैं वे? एक बार जो सिद्ध हो जाता है, जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हो जाता है, वो जन्म मरण और जरा से मुक्त हो गए हैं और 8 गुणों से सहित हो गए, 8 गुण प्रकट हो गए भगवान के, सभी बच्चों को मालूम होगा, समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, कहाँ से प्रकट हो गए? चने में मिठास कहाँ से आ गई? सेंकने से आई कि नहीं? ये बोरिंग का पानी बोरिंग करने से आया कि नहीं? बोरिंग करते ना तो पानी निकलता है, तो बोरिंग करने से आता है कि पानी में से पानी आता है? यदि यही बोरिंग अरब कंट्रीज में करें तो वहाँ पानी निकलेगा कि तेल निकलेगा?
तीन निकलेगा, तो बोरिंग से आया कि शक्ति की अभिव्यक्ति। तो ये सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए हैं, सारा जगत कहता है 608 जीव निरंतर सिद्ध हो रहे, 6 महीने 800 हो रहे हैं कि नहीं, कहाँ से हो रहे ये सीख रहे। इस 47 नंबर की गाथा में सिद्ध भगवान को संसारी को समान कह के सिद्ध होने की विधि भी बताई, कि सिद्ध होने की विधि क्या है। पहले तो ये कहा कि जैसे सिद्ध भगवान जन्म मरण जरादि रोगों से रहित हो गए, सबको पता है कि हमारे भगवान के 18 दोष नहीं होते, और 8 गुण प्रकट हो गए, अनंत चतुष्टय के धनी अरहंत भगवान हो गए, अव्यवाध्य आदि वो भी गुण प्रकट हो गए, ऐसे गुणों से अलंकृत हैं, वैसे ही बिल्कुल जैसे सिद्ध भगवान हैं ऐसे ही प्रत्येक संसारी जीव भी बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसे, कौन मानेगा? तो वही मानेगा जिसकी मुक्ति का किनारा निकट आ, कैसे मानेगा? देखो ऐसे जबरदस्ती नहीं मनवाए, अभी तो ये बता रहे कि पहले ये नक्की करो कि सिद्ध भगवान है कि नहीं जगत में, बिना भोजन के रहते, बिना शरीर के रहते। एक बार गुरुदेव ने से पूछा है व्यक्ति ने कि साहब आंख नहीं होती तो भगवान के दर्शन कैसे हो, कान नहीं होते, दीवान जी कान नहीं होते तो जनवाणी सुनने मिलती, पुण्य नहीं होता तो आप यहाँ पाते, आंख है तो जिनेन्द्र देव के दर्शन हो रहे, कान है तो जिनवाणी सुन रहे, पुण्य है तो यहाँ आ गए, माहौल बना, भोजन मिल रहा। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया मालूम किसी लड़के है? क्या दिया स्वामी जी ने? उत्तर दिया कि यदि आंख कान नहीं होते तो क्या होता, हम ये लाभ लेते क्या? स्वामी जी ने मालूम क्या उत्तर दिया? यदि आंख कान नहीं होते तो हम सिद्ध होते। अभी ऐसा कोई सोच सकता? कौन सोचे? ज्यादा दिमाग ही खराब है ना, वो तो ऐसे सोचे यदि हम गरीब नहीं तो अमीर हो, अमीर नहीं तो गरीब, यहाँ मर जाएंगे वहां चले जाएं, बस ऐसे ही सोचता। आत्मा है भगवान है ऐसा तो दिमाग ही में नहीं आता। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, कौन सोचे भैया? नहीं है तो ये सिद्ध कहाँ से हो? पहली गाथा में सिद्धत्व की स्थापना क्यों कर? एक प्रश्न और पूछ रहे, तूर्णमल जी ने 7वें अध्याय में लिखा कि जो अपने को सिद्ध मानता है वो निश्चयवादी, और कुंद कुंद और अमृत चंद देव कहते जो अपने को सिद्ध नहीं मानता वो घोर मिथ्या दृष्टि संसार, बताओ कौन सी बात सही? बोल बैठे बैठे। हाँ, यानी यदि आपने एंगल नहीं पकड़ा तो तकलीफ। तूर्णमल जी ने कहा कि तू बातें तो सिद्ध की करता है, निश्चय नहीं की करता है, और वेदन अपना विपरीत अभिप्राय का करता है, वेदन करना था निश्चय के वाच्य का, सो वेदन करता है निश्चय की वाणी का। ऐसा जीवन में पता कैसे चलता है पंडित जी की निश्चय भाषी, कि इसके जीवन में व्यवहार का निषेध वाली भाषा निकल, कह रखा पूजा पाठ कह रखा सुनने में, बहुत सुना अनंत बार 4 लब्धि हुई, अरे कुछ नहीं होता, सब व्यवहार अपन ने अनंत बार किया, जीवन में अव्यवहारिकता में खड़ा होके व्यवहार की निंदा करता है निश्चयवासी, पर्याय में खड़ा होके पर्याय का निषेध करता है, द्रव्य में खड़ा होके पर्याय का निषेध करे तो उसका उचित सोच ही गलत है। तूर्णमल जी कहते तूने जो पढ़कर कहा कि निश्चय से शुद्ध है तो सचमुच में शुद्ध है, तू निश्चय से शुद्ध क्यों मानता? नहीं समझ, निश्चय से शुद्ध नहीं है तू, सचमुच में द्रव्यपना शुद्ध है, और शुद्ध मानता तो शुद्ध का वेदन कर, अनुभव करके मानना था, जान के मानना था, निर्णय लेके मानता, द्रव्य को द्रव्यपनी देखता तो सचमुच में आत्मा शुद्ध। ऐसा थोड़ी है कि किसी नए की कृपा से शुद्ध, नए से वस्तु नहीं होती है, नए से तो बताई जाती है, सभ्य शुद्धा उ शुद्ध है, तो कोई शुद्ध नहीं की कृपा से थोड़ी शुद्ध है, शुद्ध है उसे जानने वाले ज्ञान को शुद्ध नहीं कहते। और कुंद कुंद देव कहते सब में सिद्धत्व की स्थापना, कि शक्ति से स्वभाव से सब द्रव पने वैभव पने सामर्थ पने सब प्राकृतिक सिद्ध। तो देखो कैसे गजब की बात, अपन सब सिद्ध हैं, कैसे पता चला? जो अपन सब सिद्ध है कैसे पता चला? कि जी जो सिद्ध हो गए ना, जितने भी भगवान सिद्ध हुए हैं इनसे पूछो तुम किसका ध्यान लगा के सिद्ध,
यदि भगवान का लगाते तो स्वर्ग जाते, और भगवान आत्मा का लगाते तो मोक्ष जाते। तो सिद्ध भगवान बने कैसे? सिद्ध स्वभाव का ध्यान करके बने कि भगवान का ध्यान करके? इतना भी समझ में आ जाए तो एकदम हृदय परिवर्तन। यदि जीव स्वभाव से सिद्ध नहीं है, सचमुच में सिद्ध नहीं है, तो कभी सिद्ध दशा प्रकट नहीं। और यदि स्वभाव से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, शेष सिद्ध है, तो क्यों सिद्ध नहीं होगा? सिद्ध है तो सिद्ध होने का उसे अधिकार, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तू ही लगत है पापा। पाप क्यों लगते? पापा कहलाते हैं, क्यों लगते पाप? क्योंकि ये परम पवित्र परमात्मा को पीट देता, उपेक्षा करता है। क्या रखा है आत्मा? निश्चय की बात हम क्या, स्वाध्याय में क्या रखा, आत्मा में क्या, ऐसा उपेक्षित रहा। अनंत काल जब से जीव का अस्तित्व है, जीव ने कभी एक समय को भी ज्ञायक का आदर नहीं किया। एक समय कहते स्वामी, एक समय भी ज्ञायक का सम्मान नहीं आता। सुन लेता है, सुना देता है, पर बहुमान आना चाहिए, महिमा आना चाहिए, अचिंतता, अगाधता, अपूर्वता लगना चाहिए। ओ मुझे भगवान भगवान देखते, केवल ज्ञान में मैं निर्दोष परमात्मा दिखता हूँ। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, ऐसा मेरा शाश्वत स्वरूप, मैं शाश्वत परमात्मा। फिर से भगवान महावीर भगवान बने तो बताओ, भगवान महावीर कहाँ से भगवान बने? ये पूछ रही। यदि आत्मा स्वभाव से भगवान न होता तो भगवान पने की पर्याय कहाँ से निकल आती? बोरिंग करने से जल ही क्यों निकला, तेल क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला तेल? कि तेल अरब कंट्रीज में निकलता, जब होता है वो व्यक्ति शक्ति की अभिव्यक्ति होती। तो यहाँ जल क्यों निकला? क्योंकि जल है। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान कैसे हो गए? क्योंकि सिद्ध थे। सिद्ध थे तो सिद्ध हो गए, इसमें क्या कौन सा आज? कितनी ताकत चाहिए? कोई अपन को ऐसे कहते, तुम तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, भगवान हो, तो ऐसे लगता है ये व्यंग कर रहा। सुनने में भी ताकत लग, भगवान हम कहे भगवान भैया, भगवान तो वो ऊपर वाले मंदिर वाले। अरे प्रत्येक जीव भगवान है। भगवान किसी को भगवान पने से, सिद्ध पने से, स्वभाव से कम देखना अन्याय, पाप, महा अपराध। मैंने किसी को पर्याय से देखा हो तो क्षमा करना। ऐसे थे गुरुदेव। यह कथन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीव और मुक्त जीवों में अंतर न होने का है। देखो कितना बड़ा कलेजा है जैन दर्शन का, कि आपको भगवान के बाजू में बैठा देता है किसी योग्यता से। कितनी महिमा बंत वस्तु है। वो कह रहे जैसे सिद्ध भगवान है ना, जैसे तुम भी हो। हरी साहब कहाँ 14 गुणस्थान के पा, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित, आश्रव बंधादि सब कषायों का, संसार का, पंच परावर्तन का, संज्ञाओं का, सबका विभाव का, अपराध का भाव हुआ जब सिद्ध हुए। कि हाँ हमें मालूम कि भगवान सिद्ध हुए, और हमें ये भी मालूम कि तू स्वयं सिद्ध।